गया में अपने भाषण में मोदी ने नीतीश पर बोला हमला, कहा यहां की सरकार को सिर्फ वोट बैंक की चिंता। मोदी ने कहा वोट बैंक की राजनीति करने वालों की कुर्सी बच गई, लेकिन बिहार की जनता की रोजी रोटी छिन गई। बम फूटे तो फूटे, लोग मरे तो मरे, आतंकवाद फैले तो फैले, लेकिन मेरी कुर्सी सलामत रहे, ऐसे लोगों ने बिहार को भी बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को भी बर्बाद किया है। मोदी ने अपनी रैली में गया में हुए आतंकी घटने का जिक्र किया, कहा आतंकवाद देश के लिए खतरा। अपने भाषण में केंद्र और नीतीश के साथ लालू को भी बनाया निशाना, कहा बिहार के लिए किसी को फिक्र नहीं। बिहार के गया में मोदी की रैली में भगदड़, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज। मोदी के पहुंचने से पहले मची भगदड़, लोगों को काबू करने के लिए पुलिस के पसीने छूटे। गया के गांधी मैदान में मोदी की रैली, क्षमता से ज्यादा लोग जुटने के कारण मची अफरा तफरी। मोदी के नजदीक जाने के लिए लोगों में मची आपाधापी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। गया में मोदी की रैली से पहले नक्सली हमले के बाद कड़ी सुरक्षा, बीती रात नक्सलियों ने उड़ाए 2 मोबाइल टावर्स। बिहार के सासाराम में मोदी ने फिर खेला दलित कार्ड, राहुल के साथ लोकसभा अध्यक्ष मीना कुमार पर भी हमला। मोदी ने कहा बाबू जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ जेपी आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन उनकी बेटी कांग्रेस से सांसद। आतंकवाद फैले तो फैले, लेकिन मेरी कुर्सी सलामत रहे, ऐसे लोगों ने बिहार को भी बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को भी बर्बाद किया है। मोदी ने अपनी रैली में कहा बिहार के विकास के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी बोले पूरे देश में आंधी चल रही है, देश को लूटने वाले बच नहीं सकते। बिहार से पहले झारखंड के गुमला में केंद्र पर जमकर बरसे मोदी, अपनी रैली में आदिवासियों को लुभाने की कोशिश। मोदी ने कहा अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो झारखंड का जन्म नहीं होता। मोदी ने अपने भाषण में वाजपेयी जी ने हमें झारखंड दिया, झारखंड में 14 सीट। मोदी ने अपने भाषण में कहा भारी मात्रा में कोयला और लोहा होने के बावजूद राज्य पिछड़ा है। कोयला हो, आयन और हो, हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ हो, लेकिन सरकार के पास नीति नहीं, नियत नहीं, और उसी का परिणाम है कि मेरे यहां के नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, आज तक से कहा नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना असंभव। नीतीश ने कहा धन के बल पर बीजेपी माहौल बनाने की कर रही है कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता।
किस बड़े पैमाने पर धन का इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है। इस प्रकार का चुनाव इस देश में कभी नहीं हुआ। अपने एक अजूबा चुनाव मुख्यमंत्री। नीतीश ने फेसबुक पर भी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भस्मासुर से भी दो कदम आगे निकल गई बीजेपी। नीतीश ने केजरीवाल पर भी किया वार, कहा दिल्ली के लोगों ने मौका दिया था लेकिन वो भाग गए। सोनिया और राहुल के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बीजेपी, उमा भारती और स्मृति ईरानी के नामों पर विचार। सूत्रों के मुताबिक उमा भारती को सोनिया के खिलाफ रायबरेली से उम्मीदवार बनवाए जाने पर चर्चा। सूत्रों की खबर, अमेठी में राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी को पार्टी बना सकती है उम्मीदवार। अभी दोनों नामों पर नहीं हुआ औपचारिक फैसला, सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर जारी है चर्चा। बुधवार को योग गुरु रामदेव ने बीजेपी से की थी अपील, सोनिया के खिलाफ उमा भारती को उम्मीदवार बनाने को कहा था। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की खुली जंग, कहा आप बन गई है अरविंद, अपना प्रोपेगेंडा पार्टी, बीच में मैदान छोड़कर भागने का लगाया आरोप। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, केजरीवाल और प्रशांत भूषण की वीडियो क्लिपिंग जारी कर हमला किया। बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट से जम्मू कश्मीर को हटाया, केजरीवाल पर जमकर वार। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा जब भी केजरीवाल से असहज सवाल पूछे जाते हैं वो भाग खड़े होते हैं। बीजेपी ने कहा केजरीवाल उस आदमी के लिए धरने पर बैठे जिसने औरतों के साथ बुरा बर्ताव किया। दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवारों ने तेज किया प्रचार, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत तमाम दिग्गज कर रहे हैं रोड शो। चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन रोड शो के जरिए मांग रहे हैं वोट, कार्यकर्ताओं में जमकर जोश। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार, करोलबाग और माकनपुरा इलाके में पदयात्रा। दिल्ली में सुबह बारिश के कारण अपने इलाके में प्रचार नहीं कर सके कपिल सिब्बल, पदयात्रा छोड़ बीच में ही लौटे। यही ना कि बारिश आ गई, आज का दिन तो हमारा सुबह से शाम तक काम का था, चलो कोई बात नहीं। ये बात मौसम विभाग जो है ना वो आज से हमारे का मतलब कि वाराणसी से दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल, 14 अप्रैल से वाराणसी में करेंगे चुनाव प्रचार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आडवाणी पर साधा निशाना, आज तक से बोले स्वर्ण मंदिर पर हमले के लिए बीजेपी नेता ने इंदिरा पर डाला था दबाव। जाके उसने कहा कि जाके हमला, स्टैंड ऑन ब्लू स्टार क्या रहा, बिकॉज उसके पार्टी के लीडर उन्हें जाके सोनिया जी इंदिरा जी को कहा कि आप हमला करो। 26 मई 1984 में जाके उसने कहा कि जाके हमला। अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा हैवी वेट कैंडिडेट नहीं सिर्फ कैंडिडेट हैं जेटली। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने सुषमा स्वराज को उप प्रधानमंत्री बनने की अग्रिम बधाई दी, विदिशा से चुनाव लड़ रही हैं सुषमा।
चुनाव से निकाले गए दिल्ली के विधायक विनोद कुमार बन्नी वाराणसी में केजरीवाल को चुनौती देने की तैयारी में, कहा केजरीवाल को बेनकाब करूंगा। विनोद कुमार बन्नी ने कहा वाराणसी की जनता के बीच जाकर केजरीवाल की खोलूंगा पोल। एमपी के गुना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर संगीन आरोप, आपकी महिला कार्यकर्ता ने लगाया रेप का इल्जाम। पीड़ित महिला की शिकायत, आप उम्मीदवार शैलेंद्र सिंह ने मीटिंग के बहाने बुलाकर तीन साथियों के साथ मिलकर किया रेप। महिला का आरोप जनवरी 2013 में उसके साथ हुआ था बलात्कार, महिला की शिकायत पर पुलिस जांच में। आईपीएल पर सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तावित आदेश, कहा श्रीनिवासन की जगह सुनील गावस्कर संभालें बोर्ड का कामकाज। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित आदेश में कहा जांच पूरी होने तक गावस्कर बोर्ड अध्यक्ष का कामकाज देखें। बीसीसीआई को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित आदेश में कहा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ना खेले आईपीएल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित आदेश में कहा जांच पूरी होने तक आईपीएल में नहीं खेले दोनों टीमें। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, इंडिया सीमेंट से जुड़ा कोई भी शख्स बीसीसीआई का हिस्सा ना हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आया धोनी का नाम, याचिकाकर्ता के वकील ने उठाए सवाल। हरीश सालवे का आरोप, श्रीनिवासन के दामाद मैयप्पन के बारे में धोनी ने कमेटी को गलत बयान दिया। महेंद्र सिंह धोनी को भी किस तरह से श्रीनिवासन साहब ने प्रेशराइज करके फॉल्स स्टेटमेंट मुदगल के पास, मुदगल कमेटी के सामने फॉल्स स्टेटमेंट दिलवाया कि मैयप्पन एक क्रिकेट एंथुजियास्ट। ढाई घंटे तक दो जजेस की बेंच ने की सुनवाई, बीसीसीआई से कल जवाब देने को कहा। बीसीसीआई को कल सुबह 10:30 बजे अपना पक्ष रखने को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कल जारी करेगा अंतरिम आदेश। श्रीनिवासन का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और कैसे मैयप्पन को छोड़ के बाकी सब लोगों के ऊपर बीसीसीआई ने कार्रवाई किया। 3 प्रपोज इंट्रीम ऑर्डर आज किया है जो कल 10:30 बजे होगा। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को, सभी को कल सर्वोच्च अदालत की अंतरिम आदेश का इंतजार। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती, श्रीनिवासन से अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा।